स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह हु इज द मोस्ट बेनिफिशिएंट एंड मर्सीफुल। क्लास 7, सब्जेक्ट सोशल स्टडीज, लेसन ज्योग्राफी ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, चैप्टर 1, पेज नंबर 1, 2, 3। सो स्टूडेंट, दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ योर बुक। नाउ वी आर गोइंग टू वर्ड फर्स्ट चैप्टर फॉर क्लास 7, ज्योग्राफी। चैप्टर 1, ज्योग्राफी ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। The Muslim world is the subject. Islam is the second largest religion and the fastest growing one in the world. The graph below shows the estimated number of the followers of the four main religions in the world. So here, Buddhists 6%, Hindus 14%, Muslims 21%, Christians 23%, and other religions 26%. For this book, we will take the Muslim world to mean those countries whose government have declared that they are Islamic state. For example, Iran, Saudi Arabia, and those countries where the majority of the population is Muslim. I think very easy to understand. यहाँ पर discuss करेंगे कि कौन सी countries ऐसी हैं जो पूरी Islamic हैं और कौन सी countries ऐसी हैं जो Islamic नहीं हैं लेकिन Muslim population वहाँ पर है। The Muslim world stretches about 15,000 km east to west and 6,000 km north to south. Inside this vast region, there are bound to be many differences, but the whole area is bound together by faith in Islam, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the Quran. ये area उन्होंने बताया और ये बात कही कि यहाँ पर जो है सब bound हैं और सबका एक ही अकीदा है इस्लाम पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके आखिरी रसूल हैं। फिजिकल फीचर बता रहे हैं वो आपको कि फिजिकल फीचर क्या है। फिजिकल मीन्स जाहिरी करेक्टरिस्टिक्स। एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप ऑन पेज 2, मोस्ट ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज आर लोकेटेड ऑन लेवल लैंड। द मेन माउंटेन्स आर द अटलस रेंज इन नॉर्थ अफ्रीका, द आईलैंड ऑफ इथियोपिया, यमन एंड द साउदर्न एंड ऑफ सऊदी अरबिया, ईस्टर्न टर्की एंड मच ऑफ द ईरान। द हाइएस्ट रीजन ऑफ ऑल are Afghanistan and the Hindu Kush and Karakoram mountains of Pakistan. However, few people live in these mountains regions. ये region means बहुत बड़ा इलाका, the longest area. तो उसके अंदर एक छोटी सी उन्होंने डिटेल बताई है कि जो मेन माउंटेन्स है अटलस रेंज पे वो नॉर्थ अफ्रीका की तरफ हैं और जो हाईलैंड हैं वो बताया, इथियोपिया यमन कंट्रीज का नाम बताया, और जो ऊंचे हाइएस्ट रीजन है उसके अंदर अफगानिस्तान आ जाता है और ये हमारी पहाड़ियाँ जो नॉर्थ में हैं। द नेक्स्ट मैप शोज दैट मच ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर मलेशिया, इंडोनेशिया एंड सम पार्ट्स ऑफ द अफ्रीका हैज वेरी लिटिल नेचुरल वेजिटेशन। मोर देन हाफ ऑफ द होल एरिया इज हॉट डेजर्ट, टेम्परेट डेजर्ट, सेमी डेजर्ट एंड स्क्रब्स। ये फिजिकल फीचर थे। यहाँ पर इस फिजिकल फीचर के अंदर देखें, ये मैप बताया हुआ है और इसके अंदर एक डिटेल दी हुई है कि किस तरीके से वो अरेंजमेंट हो रही है। ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन, ऑफिशियली देयर आर 55 कंट्रीज हुज मुस्लिम पॉपुलेशन इज मोर देन 50% टू 100%। मुस्लिम्स आर अदरवाइज फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल ओवर द कंट्रीज वेयर दे फॉर्म 1% टू 36% ऑफ द पॉपुलेशन। पॉलिटिकल मैप शोइंग द मुस्लिम वर्ल्ड, ये मुस्लिम वर्ल्ड की पॉलिटिकल मैप है। सियासी ग्रीन कलर का ये आपको नजर आ रहा है, ये मुस्लिम वर्ल्ड है। देन वी गो लैंड हाइट, ऊंचाई किसकी ज्यादा है, किसकी सबसे ज्यादा कम है, किसकी, ये सब ये इन्होंने चैप्टर दिया। ये मैप शोइंग फिजिकल फीचर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, मुस्लिम वर्ल्ड का कि ज्यादातर मुस्लिम वर्ल्ड किस जगह हैं, उनकी हाईलैंड। देन वी गो ज्योग्राफी, ज्योग्राफी माने होता है जमीन के बारे में पढ़ना। तो नेचुरल वेजिटेशन, कौन कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम कंट्रीज में वेजिटेशन हो जाती है और कौन सी कंट्रीज में नहीं होती। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये 0 डिग्री, ये इक्वेटर आ गया हमारा, ठीक है। ये नॉर्थ ऊपर की तरफ आ गया, ये साउथ नीचे की तरफ, ईस्ट इस तरफ आ गया एंड वेस्ट हेयर। ये दूसरा इक्वेटर ट्रॉपिकल आ गया जिसके अंदर 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, ज़्यादातर मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर डेजर्ट्स हैं, रेगिस्तान है। देखें ये लिखा हुआ है, ये कलर बता रहे हैं, ट्रॉपिकल ग्रास लैंड है यहाँ पर इस कलर की, ये डार्क कलर की, ये नॉर्थ डेजर्ट है, यहाँ पर डेजर्ट नहीं है, ठीक है। यू कैन सी इन दीज डेजर्ट एरियाज अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू ऑसेज
लिटिल और नथिंग ग्रोज, कुछ भी नहीं उगता एक्सेप्ट वेरी टफ प्लांट्स हैं विच कैन सर्वाइव इन सच हार्श कंडीशन, जो कि इतने गर्म मौसम के अंदर सर्वाइव कर पाते हैं वही प्लांट हैं सिर्फ। दीज कैन प्रोवाइड फूड ओनली फॉर द हार्डेस्ट शीप और गोट एंड गोट्स, और ये बकरियों को भेड़ों के लिए बस मुश्किल से मिल जाता, गुजारा हो जाता है उनका। यूजली कैप्ट बाय नॉर्मेडिक और सेमी नोमैडिक पीपल हु वेंडर्ड विद देयर फ्लॉक्स एंड हर्ड्स इन सर्च ऑफ पैस्चर्स, जहाँ खाने को मिल जाए वहाँ पर वो रेवड़ लेके चले जाते हैं, बकरियों का, भेड़ों का, किसी का भी रेवड़ लेके वो उधर जाते हैं बेचारे जहाँ पर उनको पैस्चर्स मिल जाए। देर आर हाउ एवर कंसिडरेबल एरियाज ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया विच प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ टिम्बर, लकड़ी, एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट प्रोडक्ट सच एज रबर एंड ट्रॉपिकल फ्रूट्स। इन अदर कंट्रीज गुड फार्म क्रॉप्स आर प्रोड्यूस इन द वैलीज ऑफ द ग्रेट रिवर्स, द नाइल, टिग्रिस, यूफ्रेट्स एंड इंडस, एंड इन अदर प्लेसेस ऑफ इरीगेशन। Now the chapter is over and here are some question and answers of this chapter. So we have done question number 1 and 2 below, but we haven't attempted question number 3 because it is an activity, right? So I am going to show you question answers, so all students will have to copy down these question and answer. Now here you can see comprehension. Question number 1, the answer is here, and question number 2, answer is here. So you have to write questions and then write the answer. Don't do question number 3 from the book. Question number 3 is here. Write a note on world religion. This is the note of world religion, question number 3. Then question number 4, name some Muslim countries of Asia. ये हमने मुस्लिम कंट्रीज बताई हैं यहाँ पर, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, इसकी पॉपुलेशन भी है और मुस्लिम परसेंटेज भी बता दी, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 शॉर्ट आंसर्स, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 ये रहा, एंड क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4, ये मैंने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ही समा दिए हैं, शॉर्ट आंसर्स हैं, दीज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी गो टू क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कॉलम्स हैं, मैच द कॉलम करना है, बुद्धिस्ट किसने हैं, ये आप यू हैव टू सर्च थ्रू द गूगल, हिंदूज और यू कैन गो थ्रू द पैनल्स ऑफ द बुक, सो यू कैन टेक हेल्प एंड मैच दिस कॉलम एंड राइट इट इन योर रजिस्टर। Then we go to question number 6, choose the correct answer. Most of the Muslim countries of the world are located in, now you have to take here, these are the MCQs, A, B, C, D, E. Then we go to question number 7, fill in the blanks. The river Nile is in dash, Tigris, Euphrates flow into dash, the river Indus flows into dash. You have to write only the names if you find the answers through the book or Google. After completing these exercise, you have to submit your copy for checking before your midterm start, so that you can start learning it, right? I hope student, you must understand what I mean to say. If you do not, so please repeat this topic and try to understand all the exercise which you have to do in your copy, right? So thank you very much. Allah Hafiz, take care yourself, your family, your neighbors, and stay home and take care of your health. Thank you very much. Allah Hafiz.